हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर्स समरी वीडियो रैपिड राउंडअप में, जिसमें कि हम आज के द हिंदू को एनालाइज करेंगे और सिर्फ उन्हीं न्यूज़ पे फोकस करेंगे जिनसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। साथ ही साथ हम न्यूज़ से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज करते चलेंगे। तो और टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए चलते हैं हमारी पहली न्यूज़ पर। आज की पहली न्यूज़ है हमारी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने एक प्रोविजनल एस्टिमेट रिलीज़ किया है। पहले तो इस हेडलाइन से ही आप दो पॉइंट्स निकालिए कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कौन सी एजेंसी है गवर्नमेंट की, और इन्होंने ये प्रोविजनल एस्टिमेट क्यों रिलीज़ किया है, इनकी फाइनल रिपोर्ट कब आती है। ये दोनों पॉइंट्स आपकी सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए हैं। प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस एंड एक्सप्लोर एंड द आंसर्स टू दीज पॉइंट्स। तो न्यूज़ ये है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने प्रोविजनल एस्टिमेट्स रिलीज़ किए हैं जो बताते हैं कि द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द ग्रोथ ऑफ इंडियाज GDP हैज़ स्लोड टू एन 11-ईयर लो ऑफ 4.2%। यानी ऐसे प्रोविजनल एस्टिमेट से हमें पता चल रहा है कि पिछला जो फिस्कल ईयर था 2019-20, इस फिस्कल ईयर में हमारी GDP की ग्रोथ रेट 4.2% रहेगी, और इस फिस्कल ईयर का जो फाइनल क्वार्टर था जनवरी टू मार्च 2020, उसमें ग्रोथ 3.1% ही रही। हालांकि इस क्वार्टर के कोई भी ये कह सकता है कि प्रॉबेबली दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इम्पोज्ड बिकॉज ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि इस क्वार्टर के सिर्फ आखिरी हफ्ते यानी सिर्फ 25 मार्च ऑनवर्ड्स ही लॉकडाउन इम्पोज किया गया था। इसका यही मतलब निकल रहा है कि ये जो स्लोइंग डाउन ऑफ आवर इकोनॉमी है, ये COVID-19 के पहले से ही चल रही है, और COVID-19 ने सिर्फ इसमें और एक इम्पैक्ट ऐड कर दिया है। और ये न्यूज़ आर्टिकल जिसके कि रिलेवेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये बताता है कि एग्रीकल्चर और माइनिंग सेक्टर ने फिर भी फाइनल क्वार्टर में पेस पकड़ी है, अदरवाइज़ ये ग्रोथ रेट और ज़्यादा कम होती। इसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने इस रिपोर्ट में ये बात कही है कि सेंटर का जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है फॉर द पास्ट ईयर, वो 3.1% से घट गया है। यानी अगर वो हर साल 100 रुपीज़ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, तो इस साल उन्हें सिर्फ 96.9 रुपीज़ कलेक्ट हुए हैं, विच दे आर सेइंग इज़ अनप्रेसिडेंटेड। ऐसा होता नहीं है कि सेंटर जितना टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो कभी कम हो जाए। हमारा देश एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हर साल नए काम धंधे ऐड होते हैं, लोग भी नए कंज्यूमर्स, नए एम्प्लॉयज़, नए एम्प्लॉयर्स हर साल देश में ऐड हो रहे हैं। ऐसे में टैक्स रेवेन्यू हर साल बढ़ता ही है, घटता नहीं है, और घटा भी है तो बाई 3.1%, दिस इज़ रियली अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा इस न्यूज़ में बताया गया है। तो ये तो न्यूज़ अपने आप में डिस्टर्बिंग है ही, साथ में जो दो छोटे उन्होंने ब्लॉब्स दिए हुए हैं उसमें एक कहता है कि द कोर सेक्टर आउटपुट हैज श्रंक बाई 38% इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यानी कि पहला जो आखिरी क्वार्टर था पिछले फिस्कल ईयर का, उसको आप छोड़ भी दें और अप्रैल की भी बात करें, तो अप्रैल का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, विच इज़ अगेन अनदर की वर्ड विच यू शुड मेक अ नोट ऑफ, जिसको कि आपको पूरी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कैसे कैलकुलेट होता है, कौन सी एजेंसी को रिलीज़ करती है, और कितने वीक्स के लैग के साथ इसका डेटा अवेलेबल होता है। प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दीज पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs इससे बनते ही बनते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो कोर सेक्टर का आउटपुट भी 38% श्रिंक हो गया है अप्रैल के मंथ में, और जून की मिड में GST काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। तो GST काउंसिल अगेन बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट कीवर्ड, GST काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स हैं और इसके क्या क्या पावर्स हैं, तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दैट। उसके बाद फाइनेंस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फिस्कल डेफिसिट एंड GDP की डेफिनेशन, GDP की डेफिनेशन सुन के बहुत ही बेसिक सा लग सकता है किसी को, कि जो भी UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको GDP की डेफिनेशन, नेट GDP, नॉमिनल GDP, GDP इन रियल टर्म्स, ये सब तो पता है ही, लेकिन फिर भी GDP की कैलकुलेशन, उसमें इंपोर्ट माइनस करते हैं, एक्सपोर्ट ऐड करते हैं, इस तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले रहते हैं। तो यू शुड ऑलवेज़ कीप ऑल दोज फार्मूले हैंडी एंड यू शुड कीप रिवाइजिंग दोज फार्मूले। NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और उसके बाद कोर सेक्टर, कोर सेक्टर में क्या क्या इंडस्ट्रीज आती हैं ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। और इस आर्टिकल में ये बात भी बताई गई है कि देर आर 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिमांड विच आर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। यानी देश में अगर डिमांड बढ़ रही है या घट रही है, जो भी डिमांड है देश में वो किस चीज़ में खर्च होगी, बेसिकली या तो कंजम्पशन होगा कि देश के अंदर ही लोग कंज्यूम कर लेंगे, या एक्सपोर्ट होगा, देश के बाहर के लोगों के कंजम्पशन के लिए हम उसे भेजेंगे, या फिर उसे किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा।
तो दीज आर द 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिमांड, ये किसी एमसीक्यू में ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है। तो अगला जो पॉइंट है दैट इज़ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें ये अगली स्लाइड आ गई, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक मिनट मैं इसमें चेक कर लूँ कि मेरा ईयरफोन गाइस काम कर रहा है कि नहीं, आपको मेरी आवाज़ ठीक से आए, यस। तो अगली जो स्लाइड है ये मैंने बनाई है टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने के हैं। देखिए एक छोटी सी डेफिनेशन जीडीपी की और कोर सेक्टर की मैंने यहाँ पर दी हुई है, यू कैन मेक अ नोट ऑफ दैट। जीडीपी प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक स्नैपशॉट ऑफ अ कंट्री यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ एन इकोनॉमी एंड ग्रोथ रेट। तो इसलिए आप देखेंगे कि हमेशा इकोनॉमी बढ़ रही है या घट रही है, ये जीडीपी के टर्म्स में ही बात की जाती है। जीडीपी को 3 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, जो कि एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन या इनकम, इन 3 बेसिस पे कैलकुलेट होता है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कोर सेक्टर में जो 8 इंडस्ट्रीज हैं विच कंप्राइज 40.27% ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका क्या मतलब है? देखिए इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स नंबर होता है वो बेसिकली बहुत सारे नंबर्स को कलेक्ट करके एक फाइनल पिक्चर बताने के लिए एक इंडेक्स बनाया जाता है। जैसे कि जिन्होंने भी फिजिक्स पढ़ा है वो समझते हैं कि बहुत सारे फोर्सेस का मिलकर एक रिजल्टेंट फोर्स निकलता है। तो अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जानते हैं तो हमको पता है कि बहुत सारी फोर्सेस जिस भी डायरेक्शन में जा रही हों कुल मिला के यहाँ पर एक रिजल्टेंट फोर्स निकल रही है और उससे हम पूरी पिक्चर को समझ सकते हैं। वैसे ही एक इंडेक्स नंबर मैथमेटिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में जो बनाया जाता है वो इसीलिए होता है कि बहुत सारे नंबर्स का अगर आपको सेंस बनाना हो एक साथ में कि भाई पूरी पिक्चर बताओ एक्चुअली क्या हो रहा है, तो उसमें एक इंडेक्स नंबर बनाया जाता है। सो द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में पूरी पिक्चर आपको एक ही नंबर से अगर जाननी है तो दैट इज़ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आप चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑफिस इसका डेटा रिलीज़ करता है। और इसमें जो 8 सेक्टर हैं, जो 8 कोर सेक्टर हैं, जिनको कि नाम से ही समझ में आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, और हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि इसमें क्या मूवमेंट हो रही है, वो देखिए पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स हैं। नाउ दीज हैव बीन अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इनका वेट मिला के 40.27% है आईआईपी का, यानी बाकी इंडस्ट्रीज़ का वेट भी हम लेते हैं उसमें, लेकिन जो कोर सेक्टर है वो सबसे मेजर पार्ट कंप्राइज करता है आईआईपी का। तो ये आईआईपी जो है ये भी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि 30 कोर सेक्टर का आउटपुट 38% से घट गया है अप्रैल के महीने में, यानी ओवरऑल इकोनॉमी की परफॉर्मेंस में बहुत तेज़ गिरावट हम देख सकते हैं। एंड द पॉइंट टू बी नोटेड इज़ ये गिरावट कोरोना से रिलेटेड लॉकडाउन आने के पहले से ही है, तो लॉकडाउन आने के बाद क्या ही होगा आप इमेजिन कर ही सकते हैं। सो यहाँ पर एक और पॉइंट मैंने मेंशन किया है, NSO द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये इसके पहले 2 ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करते थे, NSSO और CSO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के अंडर में ऑपरेट करते थे। इन दोनों को मर्ज करके मोदी गवर्नमेंट ने NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया है। ये रंगराजन कमीशन के रिकमेंडेशंस पे ये काम किया गया है। तो कोई गैस ही कर सकता है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके, कौन सी कमीशन के, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे NSO का फॉर्मेशन हुआ है, तो रंगराजन कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ है। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। ये है एक आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड न्यूज़ है, वो पंढरूरवाड़ी कह रहे हैं इसको। तो ये तीर्थ यात्रा टू पंढरपुर है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पंढरपुर नाम की जगह है जहाँ पर कि विठोबा भगवान, लॉर्ड विठोबा जो कि कृष्ण के ही रूप हैं, उनकी पूजा की जाती है। और वर्कारीज कहते हैं उनको, जो कि तीर्थयात्री हैं, जो पादुकाएँ लेकर यानी चप्पलें लेकर जो फेमस सेंट्स हैं, जो विठोबा के प्रसिद्ध भक्त हैं, जो प्रसिद्ध संत होके गए हैं पीछे के समय में, तो उनकी समाधियों से विठोबा के लिए चप्पलें, पादुकाएँ लेकर जाते हैं, जत्थे बनाकर, झुंड बनाकर, जैसे तीर्थयात्राएँ होती हैं, वर्कारी कहते हैं उनको, पंढरपुर की यात्रा करते हैं। पंढरपुर हमें जाना है, पंढरपुर के द्वार खुले हैं कि नहीं, इस तरह के बहुत सारे प्रसिद्ध भजन हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस इलाके में काफ़ी ये भजन भी गाए जाते हैं। तुकाराम, इनमें 2 प्रमुख संत हैं, तुकाराम और ध्यानेश्वर। तो तुकाराम संत जो हैं, संत तुकाराम जी जो हैं, देहू, पुणे जिले के देहू गांव में उनकी समाधि है, वहां से उनके भक्त चरण पादुकाएं लेकर विठोबा जी के मंदिर पंढरपुर तक जाते हैं। और संत ध्यानेश्वर जी की भी समाधि है पुणे जिले में ही,
अलांदी नामक गांव में। वहां से भी भक्त चरण पादुकाएं लेकर पंढरपुर की यात्रा करते हैं। यात्रा आषाढ़ एकादशी को समाप्त होती है, जब चंद्रभाग रिवर में स्नान करके तीर्थयात्री इस पूजा को संपन्न करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिए पंढरपुर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ विठोबा भगवान का मंदिर है। ये पंढरपुर वाड़ी ये त्यौहार इस तीर्थ यात्रा का नाम है, और संत तुकाराम संत ध्यानेश्वर दोनों की समाधियाँ पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि इस पूरी प्रोसेस से उनका संबंध है। और चंद्रभागा रिवर में जाके ये पूरा मामला समाप्त होता है। चंद्रभागा रिवर जो है वो पंढरपुर भगवान विठोबा के मंदिर के पास से बहती है। यहाँ पर न्यूज़ हालांकि ये है कि इस साल कोरोना से रिलेटेड ये COVID-19 का लॉकडाउन चल रहा है, तो जाहिर बात है सरकार झुंड के झुंड यात्रियों को इस तरह से तीर्थ यात्रा करने नहीं दे सकती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग उसमें भला कैसे मेंटेन हो पाएगी। पर तीर्थ यात्रा न भी हो तो भी ये परंपरा मेंटेन रहे, विठोबा भगवान के वहाँ पंढरपुर में ज़रूर कुछ लोग चरण पादुकाएं लेकर पहुँचे, और लिमिटेड स्केल पर ही सही, लेकिन ये पूजा संपन्न हो, सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी, महाराष्ट्र सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी, ऐसा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अजीत पवार जी ने बयान दिया है। ये समाचार था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस, ये नेक्स्ट न्यूज़ बहुत आज की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है मैं कहूँगा। हाई कोर्ट यानी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को ये डायरेक्शन दिया है कि वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर हैं मिस्टर रमेश कुमार, उनको आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने हटा दिया था उनकी पोस्ट से। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनको रीइंस्टेट किया जाए। तो आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। ये पहली इमेज जो लेफ्ट साइड में है बुलेट पॉइंट्स में मैंने इस पूरे न्यूज़ को समअप किया हुआ है, तो ये है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने अर्बन और रूरल लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस थे उनको कैंसिल कर दिया था बिकॉज ऑफ द COVID-19 लॉकडाउन। उन्होंने कहा कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो उतना नहीं हो पाएगा और इससे कोरोना स्प्रेड होने का खतरा होगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इस बात से खुश नहीं थी, स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि इलेक्शन हो। इलेक्शन के एन पहले उन्होंने इस इलेक्शन को कैंसिल किया था, तो वो इस बात से खुश नहीं थे। लेकिन अब वो खुश नहीं थे करके वो स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को फायर नहीं कर सकती, वो उनके परव्यू में आता नहीं है। तो उन्होंने वो किया जो उनको लगा वो कर सकते हैं, और उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, एक विधेयक ऐसा निकाला जिसमें कि उन्होंने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का टर्म जो कि 5 ईयर्स का हुआ करता है उसको घटा के 3 ईयर्स कर दिया। तो रमेश कुमार जी जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके 3 ईयर्स ओवर हो चुके थे, तो इस तरह से ही बिकेम आउट ऑफ अ जॉब। उनको अब वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं रह सकते क्योंकि कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए बदलाव कर दिया गया है। उन्होंने लेकिन हाई कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज कर दिया। इस डिसीजन को उन्होंने दो बेसिस पे चैलेंज किया। पहला बेसिस उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 243 के, ये इम्पॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट है, आर्टिकल 243 के ये बताता है कि एक इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट जज को जैसे हटाया जाता है महाभियोग चलाकर, और उसकी एक पूरी लेट डाउन प्रोसेस है, तो महाभियोग चलाकर ही आप एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं, ऐसे उनके पोस्ट से नहीं हटाया जा सकता। गवर्नमेंट हालांकि कह सकती है कि हमने उनको हटाया कहाँ है, हमने तो टेन्यर इन जनरल इलेक्शन कमिश्नर का टेन्यर कम किया है जिसकी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट वो हट जा रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, मामला यहाँ पर साफ है कि क्या किया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने मेंशन किया कि जो ऑर्डिनेंस स्टेट गवर्नमेंट लेके आई है, तो एक ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट लेके आती है अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि गवर्नमेंट जब चाहे जैसे चाहे ऑर्डिनेंस लेके आ सकती है। सेटिस्फैक्टरी सर्कमस्टांसेस मस्ट एग्जिस्ट जिसके ज़रिए गवर्नमेंट ये साबित कर सके कि हाँ अभी ऑर्डिनेंस लाना बहुत ज़रूरी था, और ये जो एक्शन हमने लिया है ये असेंबली जब कन्वीन हो तब तक नया कानून बने पूरी प्रोसेस के थ्रू गुजरे तो उतना टाइम नहीं है, इसलिए अभी अर्जेंसी में हमें ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, ऐसा उन्हें कन्विंसिंग आर्गूमेंट देना पड़ेगा। ऐसा कन्विंसिंग आर्गूमेंट अगर नहीं है तो हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक डाउन कर सकती है, ऐसा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में बताया है। तो देखिए इसमें जो पॉइंट्स आपको रेफ़र करने हैं तो मैंने नीचे मेंशन कर दिए हैं। दोज़ आर द स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन किस लिए होती है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन में बहुत सबसे ज़्यादा आसानी से कन्फ्यूज़ होने वाली बात यह है कि द स्टेट इलेक्शन कमीशन दे डोंट ओवरसी द इलेक्शंस टू स्टेट असेंबलीज। स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन नेशनल इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करती है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो अर्बन और रूरल बॉडीज़ के इलेक्शंस कन्वीन करती है, और भी कुछ इलेक्शंस कन्वीन करती है, आप चेक करिए कि वो क्या इलेक्शंस हैं। दूसरा पॉइंट जिसमें कि आपको ब्रशअप करने की ज़रूरत है, दैट आर ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के तहत सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स रिलीज कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं, और किस
ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए क्या प्रोसेस है और किन सर्कमस्टांसेस में ऑर्डिनेंस जारी करने को वैलिड या इनवैलिड माना जाएगा। इनवैलिड माना जाने, कैसे किसी ऑर्डिनेंस को इनवैलिड माना जाए, उसकी सूरत में एक पॉइंट यहाँ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है कि अगर गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐड कर दिया सॉरी, वो ये है कि अगर गवर्नमेंट ये हमको कन्विंस ना कर सके कि इसकी अर्जेंसी है, ऐसे सर्कमस्टांस हैं कि ऑर्डिनेंस को भी जारी करना ही पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट अगर कन्विंसिंग आर्गुमेंट ना दे सके तो उनको ऑर्डिनेंस जारी करने का अलाउ नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है, इस न्यूज़ में अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आंध्र प्रदेश स्टेट का एक अपर हाउस भी है, स्टेट असेंबली का एक अपर हाउस भी है, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, कुछ ही स्टेट्स हैं इंडिया में जिनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो चार पांच स्टेट्स हैं, उनका नाम आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। और अगर कोई स्टेट चाहे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए या कोई स्टेट चाहे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म करें, तो क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर्म होती हैं या डिसबैंड होती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस कैसे इनडायरेक्टली कैसे होते हैं, उसका फार्मूला क्या है एक एक वोट का, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक टेन्योर कितने समय का होता है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उनका, ये पॉइंट्स आप ब्रशअप कर लीजिए। दो तीन पॉइंट्स का, ये दो तीन पेजेस का चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, यू शुड ब्रश अप ऑन दीज पॉइंट्स। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, कि काकीनाड़ा, आंध्र प्रदेश के ही ये न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश में काकीनाड़ा एरिया के पास GMR जो कंपनी है उनको बोला गया है कि ये कुंभ अभिषेकम मड लैंड वाली एरिया में वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको बोला है कि प्लीज़ स्टॉप दैट एक्टिविटी। वहाँ पर मैंग्रोव्स हैं और वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव्स, ये आप सब जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और UPSC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वेटलैंड्स, रामसर साइट्स, द रामसर कन्वेंशन दैट वाज साइंड इन ईरान, और मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ पर हैं और इनसे रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या क्या लॉज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक का पॉइंट है, यू शुड ब्रश अप ऑन दोज पॉइंट्स। इस जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पर काकीनाड़ा में क्या हुआ है कि इनके पास ही एक कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि इंडेंजर्ड ग्रेट नॉट्स, ये बर्ड्स हैं, और इंडियन स्किमर जिनके साइंटिफिक नेम भी दिए हुए हैं, वो यहाँ पर अपना हैबिटेट बनाते हैं, दीज आर प्राइम हैबिटेट फॉर दीज इंडेंजर्ड बर्ड्स। तो यहाँ पर ऑब्वियसली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी को नदी, वेटलैंड और मैंग्रोव के साथ छेड़छाड़ करना अलाउ नहीं करेगा। तो ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया है। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया, दैट इज़ सुंदरबंस राइट इन वेस्ट बंगाल। तो देखिए ये सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रेच है, ये कोई ऐसे ही छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंग्रोव है ये इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के लिए और इंडिया की इकोसिस्टम की सेफ्टी के लिए। इट इज़ होम टू मोर देन 120 बर्ड स्पीशीज एंड 24 मैंग्रोव ट्री स्पीशीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह है, एंड बहुत ही वाइड बैक्ड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर, वल्चर्स जो होते हैं गिद्ध बहुत ही इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं राइट नाउ इंडिया में, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट तरह तरह के स्टेप्स उठा रही है, उनकी भी दो स्पीशीज़ के लिए ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ द होम। तो ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर लिए हैं, तो यू शुड मेक अ नोट ऑफ दीज पॉइंट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, के एक अवार्ड से रिलेटेड न्यूज़ है, अवार्ड से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन UPSC प्री में अक्सर आ जाते हैं और दूसरे एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं, और ये बहुत बड़ा एक अवार्ड है, बहुत बड़ा ओकेजन है कि UN मिशन इन साउथ सूडान में मेजर सुमन गवनी, जो कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में, यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान में वो काम कर रही थी वहाँ पर, उनको UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। नाम लंबा सा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी somebody इन द UN मिलिट्री मिशन हु एडवोकेट्स फॉर जेंडर राइट्स, इसका अवार्ड UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दिया है। एंटोनियो गुटेरेस पहले इटली के राष्ट्रपति थे, अब वो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये अवार्ड उनको दिया गया है ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स, जो कि है 29th में यानी कल, और इस साल के इस अवार्ड की थीम थी वेमेन इन पीस कीपिंग की टू पीस। इस पॉइंट के क्वेश्चन का आने का चांस बहुत कम है, फिर भी मैंने देखा तो मैंने मेंशन कर दिया, क्या पता कोई घुमा के कहीं किसी तरीके से पूछ ले। तो इस साल का ये अवार्ड जो उनको दिया गया है वो UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड है। ये किस ओकेजन पे दिया गया, तो ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स, जो कि 29th मई है, उस दिन दिया गया है, और इस दिन का इस साल थीम था वेमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। तो ये थी न्यूज़। अगली न्यूज़ पर हम चलते हैं, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट्स हैं
वो अक्सर काफ़ी ऐसा कहा जाता है बेलिजरेंट होते हैं, और कई लोगों का ऐसा आरोप रहता है कि उनके ट्वीट्स से हिंसा भड़क सकती है, नफरत तो भड़कती ही है। तो ट्विटर जनरली ऐसे ट्वीट्स को कवर करता है, उन पर कोई लेबल लगा देता है, उन ट्वीट्स को रिमूव भी कर सकता है। तो लोग अक्सर कॉल करते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, ठीक है अमेरिका के, लेकिन अगर उनके ट्वीट्स इस तरह के इंसेंडियरी ट्वीट्स हैं तो आपको उनको भी इस उन पे भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली ट्विटर ने लेना शुरू किया, उनकी किसी न्यूज़ पे लेबल कर दिया कि ये न्यूज़ लग रहा है फेक न्यूज़ है, तो इस पे मेंशन किया जा रहा है फैक्ट, आप चेक कर लीजिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी ट्वीट को अगर ट्विटर कह दे कि ये लग रहा है फेक न्यूज़ है तो उनके लिए बहुत अपमान की ये बात है। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी भड़क गए हैं इस बात से, तो भड़क तो गए हैं, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनकी सरकार ने, उनके कहने पर ही ऐसा लग रहा है कि ये सोचा है कि कैसे हम इन सोशल मीडिया साइट्स को पनिश करें। उनको ऐसा लगता है कि ये सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं, फेसबुक है और ट्विटर है, ये ऐसे कहते हैं कि हम फेक न्यूज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, और कहते हैं कि हम हेट स्पीच, इस तरह की चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन इसके ज़रिए क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर तरह की राजनीतिक सोच से जुड़ी जो बातें हैं उसको इन लोग दबा रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है, ऐसा उनका सोचना है। क्योंकि वो कहते हैं कि राइट विंग या कंजर्वेटिव जो वॉइसेज हैं उनको ट्विटर और फेसबुक इस तरह से दबाने की कोशिश करते हैं, एक कम्प्लीटली न्यूट्रल ओपन प्लेटफॉर्म वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट वो एक्शन लेना चाहते हैं। तो एक्शन कैसे ले रहे हैं वो देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि भाई आप सबको बोलने का मौका दीजिए, किसी को दबाइए मत, ऐसी बात वो नहीं कह रहे हैं, वो एक बदले की भावना से इस तरह से कह रहे हैं कि ट्विटर और इस तरह की जो सोशल साइट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि देर इज़ यूनाइटेड स्टेट्स कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट 1996, जिसमें कि सेक्शन 230 है जो बताता है कि आप थर्ड पार्टी कंटेंट को कैरी कर सकते हैं विदाउट लाइबिलिटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फेसबुक पे अगर किसी ने कुछ लिखा तो वो फेसबुक ने नहीं लिखा है, वो किसी तीसरे इंसान ने लिखा है, तो वो जो लिखा गया है अगर वो गलत है, अगर वो कानून का वायोलेशन करता है, तो इसके लिए वो इंसान ज़िम्मेदार है, इसके लिए फेसबुक ज़िम्मेदार नहीं है। क्योंकि अगर फेसबुक को कहा जाए कि करोड़ों ट्वीट, करोड़ों फेसबुक पोस्ट्स होते हैं हर दिन, आप सबको बैठ के चेक करो कि किसमें गलत है तो आप हटा दो उसको, तो ये तो फेसबुक के साथ ज्यादती होगी, इतना वो कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए उनको अलाउ किया जाता है। ये जो उनको अलाउ किया जाता है कि ठीक है भाई थर्ड पार्टी कंटेंट आप देखिए अपनी तरफ से रोकने की कोशिश करिए, बट अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं तो आप पे लाइबिलिटी नहीं होगी, इसको कहते हैं सेफ हार्बर प्रोविज़न। सेफ हार्बर प्रोविज़न देखिए, मैंने राइट साइड ऑफ द स्लाइड यहाँ पे मेंशन किया है, ये एक लीगल प्रोविज़न है जिसमें कि लीगल या रेगुलेटरी लाइबिलिटी किसी भी इंसान की ख़त्म कर दी जाती है एज लॉन्ग एज सर्टन कंडीशंस आर मेट, कि ये कंडीशंस हैं, इनको आप फॉलो करिए, इनको फॉलो करने के बाद भी अगर आपकी साइट पे, आपके लोकेशन पे कोई गलत काम हो रहा है तो आप पे लाइबिलिटी नहीं लाई जाएगी। जैसे अगर आप लैंडलॉर्ड हैं और आपके यहाँ पे किराएदार रहते हैं तो यू आर एक्सपेक्टेड कि आप उनके आधार कार्ड वगैरह की एक कॉपी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जमा करके रखेंगे कि ये लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं, और इतना आप भी अपनी तरफ से थोड़ा अलर्ट रहेंगे कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। इसके बाद भी अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त पाए जाते हैं तो लाइबिलिटी आप पर नहीं आएगी, वो जो किराएदार हैं उन पर आएगी। अच्छा, ये तो बात हुई यूएस की, इससे रिलेटेड इंडिया में लॉ क्या है। तो आज तक इंडिया में भी यही सेक्शन 230 जैसा ही लॉ चल रहा था, लेकिन इस साल फरवरी में गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट 2000 में कुछ प्रोविज़न ऐड करने की कोशिश की है, जिसके ज़रिए कि सर्टेन इलीगल एक्टिविटीज़ अगर किसी साइट पे होंगी तो साइट को उसके लिए ज़िम्मेदार माना जाएगा। हाँ, और ये बात इस पर सिर्फ हर एक पोस्ट पे लागू नहीं होगी, जैसे फेसबुक या ट्विटर पे कुछ ट्वीट्स या कुछ पोस्ट होते हैं जो कि स्पॉन्सर्ड होते हैं, जो कि प्रमोटेड होते हैं, तो आप देखेंगे कि ये ऐसी बात नहीं है कि फेसबुक पे किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया और चले गया, यहाँ पर फेसबुक एक्टिवली उस पोस्ट को प्रमोट कर रहा है स्पॉन्सर्ड कंटेंट बोल के। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कि भाई इस पे तो अब आपकी लायबिलिटी बनती है, यहाँ पर आप भी इसमें एक पार्टी हो गए, आप भी एक्टिवली इस पोस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये आपको चेक करना है कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है, इसमें अगर कुछ गलत पाया गया तो आप पे लायबिलिटी हम सेट करेंगे। तो ये आईटी एक्ट ईयर 2000 में ये क्लॉज ऐड किया जा रहा था, फाइनली अभी तक ऐड किया गया नहीं है, बहुत जल्द लेकिन ऐड किया जाएगा। तो ये न्यूज़ थी अबाउट दिस। इट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ के काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों का निधन हो गया है कल, जिनका कि आप ना रिलेटेड न्यूज़ मैंने इस पूरी स्लाइड में डाली, आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी जी और केरला के सोशलिस्ट लीडर वीरेंद्र कुमार जी, बहुत ही प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हैं बेजान दारू वाला, अक्सर न्यूज़ में आते थे, उनकी किताबें भी काफ़ी बिकती थी, उनका भी निधन हो गया है।
और वेटरन लिरिसिस्ट योगेश, जिनका नाम शायद आपने न सुना हो पर उनके लिखे गाने हर किसी ने पसंद किए हैं, गुनगुनाए हैं, उनका भी निधन हो गया। तो उनसे रिलेटेड जानकारी मैंने इस स्लाइड में दे दी है। और किसी न किसी इनका निधन हो गया, बहुत बड़े लोग थे ये बात तो है ही, पर इसके साथ ही ये अब न्यूज़ वर्दी, एग्ज़ाम वर्दी भी हो जाते हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में इनसे संबंधित, खासकर वीरेंद्र कुमार जो थे वो मलयालम न्यूज़पेपर, बहुत फेमस न्यूज़पेपर है मातृभूमि, उसके चेयरमैन थे करेंटली, तो उनसे रिलेटेड न्यूज़ आ ही सकती है। और योगेश जो लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने गाने लिखे हैं जैसे कहीं दूर जब दिन ढल जाए या ज़िंदगी कैसी है पहेली, और इस तरह के बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे हैं। तो यू शुड मेक अ नोट ऑफ दिस। वी वॉन्ट टू द नेक्स्ट टिडबिट्स, जो छोटे न्यूज़ यहाँ वहाँ रहते हैं जिनसे कि लगता है कोई पॉइंट निकल के आ सकता है किसी एग्ज़ाम के MCQ के लिए, वो मैं ऐसे कलेक्ट कर देता हूँ, आप रोज़ देखते ही हैं। तो MP गवर्नमेंट ने रोज़गार सेतु नाम का ऐप और पोर्टल बनाया है, जिसके ज़रिए कि जो वर्कर्स दूसरे स्टेट से वापस आ रहे हैं या जो और भी स्किल्ड वर्कर्स हैं MP में, वो रजिस्टर करेंगे और उनको देखा जाएगा कि कहाँ MP में ही कहाँ काम एलोकेट किया जा सकता है। इंडस्ट्री कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ और जो लोकल चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं उनसे बात करके आप देखेंगे कि माइग्रेंट वर्कर्स का से रिलेटेड मामला अब काफ़ी गर्म हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लेना शुरू कर दिया है, तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने BJP गवर्नमेंट जहाँ जहाँ हैं वहाँ की सरकारों को बोला है कि एटलीस्ट आप तो शुरुआत करिए, जहाँ जहाँ से माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं कोशिश करिए कि कैसे मैक्सिमम लोगों को अपने राज्यों में काम दिलवाया जा सके। तो इसकी शुरुआत हुई UP से, जहाँ की योगी आदित्यनाथ जी ने माइग्रेंट वर्कर्स कमीशन बनाने की घोषणा की। कल महाराष्ट्र से रिलेटेड न्यूज़ आई थी कि वो भी इस तरह का एक पोर्टल बनाएंगे, और आज MP से रिलेटेड न्यूज़ आई है कि रोज़गार सेतु बनाया जाएगा। तो ये MCQ में आसानी से आ सकता है कि रोज़गार सेतु कौन से स्टेट का ऐप है, या माइग्रेंट वर्कर कमीशन, माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड कमीशन कौन से राज्यों ने बनाने की बात करी है, कौन से राज्यों ने नहीं की है। तो उसमें तीन तीन चार चार राज्यों के कॉम्बिनेशन होंगे और ABCD करके आपको उसमें से कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इन सबको रोज़ न्यूज़ को क्लोजली फॉलो करते जाइए, कौन कौन से स्टेट्स ऐसी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि अब बाकी स्टेट्स भी करेंगे, कोई भी स्टेट इस मामले में पीछे नहीं हटना चाहेगा। हर स्टेट के लोग अब अपने चीफ मिनिस्टर से ऐसी डिमांड करेंगे कि दूसरा स्टेट कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये वो न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ एक आई है कि हरियाणा की गवर्नमेंट ने गुड़गांव से दिल्ली जाने के रास्ते को सील कर दिया है और कहा है कि दिल्ली से कोरोना के पेशेंट गुड़गांव आ रहे हैं और उसकी वजह से हमारे स्टेट में कोरोना फैल रहा है, तो हम नहीं आने देंगे। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ में मेंशन हुआ NH48 आप इस मैप के इमेज जो मैंने डाली है उसमें देख सकते हैं, काफ़ी लंबा ये नेशनल हाईवे है, दिल्ली से चेन्नई तक जाता है और 7 राज्यों के थ्रू होके जाता है। आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और फिर तमिलनाडु में जाता है ये नेशनल हाईवे। तो इसका आप नोट कर लीजिए, नेशनल हाईवे 48 और नॉर्थ से साउथ में अरेंज करिए, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं और इनको और कोई तरीका नहीं, रटा ही जा सकता है। तो आप बस ध्यान रखिए कि न्यूज़ में कहाँ कोई नेशनल हाईवे से रिलेटेड कोई बात मेंशन हो रही है अगर, तो उनका एक नोट कर लीजिए। सारे के सारे हाईवेज नेशनल और स्टेट याद करने तो खैर मैं किसी को बोल नहीं सकता। तो दिल्ली से गुड़गांव ये हाईवे जाता है, ये आप नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट जो है कि झारखंड ने अपने माइग्रेंट वर्कर्स को लद्दाख से, लेह से इवैक्यूएट किया है बाय एयर। हर जगह से माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कोई बस भेज रहा है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स तो चली रही हैं। झारखंड वो पहला राज्य बना जिसने कि हवाई जहाज़ भेजा अपने माइग्रेंट वर्कर्स को लेके आने के लिए। इनको भेजा कहाँ? लेह जो कि लद्दाख का कैपिटल है। लद्दाख के पास जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में द्रास सेक्टर में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भी आर्म्ड फोर्सेस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपको इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भूले भटके शायद कभी कहीं आ भी जा सकता है, बॉर्डर से रिलेटेड। बॉर्डर पे जो एक रोड बन रही है आपको दौलत बेग ओल्डी से, तो उससे रिलेटेड भी इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो द्रास सेक्टर में वर्कर्स काम कर रहे थे झारखंड के, उनको बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री के लोग ही लद्दाख लेह तक लेके आए, वहाँ से एयरपोर्ट से उनको फ्लाइट से झारखंड रांची बुलवा लिया गया। और द हिंदू ने ये भी मेंशन किया कि 4.5 लाख का कॉस्ट आया। शायद अखबार ये बताना चाह रहा है कि देखिए मजदूरों को प्लेन से भी लाया जा सकता है, उतनी ज़्यादा कोई कॉस्ट पड़ती नहीं है। एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए 4.5 लाख रुपये क्या ही कॉस्ट है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, एक और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि
ट्राई ने रिकमेंडेशंस दी हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कुछ रेगुलेटर्स हैं जो अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, ट्राई उनमें से एक है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ के रखना चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है स्टैटिक पोर्शन से। ट्राई ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं कि एक नेशनल नंबरिंग प्लान, ये ध्यान रखिए कि ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये ट्राई ने अभी एक आइडिया मूव किया है कि ऐसा हम करने का सोच रहे हैं, एक नेशनल नंबरिंग प्लान लाने की बात की है ट्राई ने, जिसमें कि क्या क्या फीचर्स रहेंगे। उसमें पहली बात कही है कि यूनिक आइडेंटिफाइड नंबर रहेगा हर सब्सक्राइबर के लिए। ये क्लियर नहीं है कि इसका क्या मतलब है, वो तो अब अगर मेरे पास एक फ़ोन नंबर है वो तो यूनिक है ही। मेरे ख्याल से ऐसा रहेगा कि आपके पास मल्टीपल सिम्स भी हों तो भी आपका नंबर शायद एक ही रहे, इस तरह की कोई बात हो सकती है। फिर दूसरा वो कह रहे हैं कि 11 डिजिट मोबाइल नंबर पे हमको मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसी के नीचे आप देखिए टोटल सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 117 करोड़ हैं। ये तो नंबर सुन के भी अनबिलीवेबल सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अराउंड 130 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। एंड टेली डेंसिटी बता रहे हैं, देखिए कि प्रत्येक 100 लोगों में कितने लोगों के पास सेलफोन होता है, तो वो बता रहे हैं 87.4% है। तो आप सोच ही सकते हैं कि इंडिया में कितनी ज़्यादा टेली डेंसिटी है, तो इसलिए अब नंबर्स कम पड़ जा रहे हैं, 10 डिजिट के नंबर कम पड़ जा रहे हैं सबको देने के लिए। तो ट्राई कह रहा है कि शायद अब 11 डिजिट के मोबाइल नंबर पे हमको जाना पड़े। तो और इसी आर्टिकल के एंड में ट्राई ने लिखा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स होंगी। तो ट्राई चाहता नहीं है कि हमें 11 डिजिट के नंबर तक जाना पड़े, तो और कैसे क्या क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं कि ऐसा न करना पड़े। तो ट्राई ये भी कह रहा है कि बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज़ बंद हो गई हैं, तो उनके जो नंबर लोग यूज़ कर रहे थे वो अब जाके सरेंडर हो गए हैं, वो तो अब कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो ट्राई कह रहा है कि उन्हें वापस से हम यूज़ कर लें ताकि हमें 11 डिजिट के नंबर तक ना जाना पड़े, जिससे रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा ट्राई का कहना है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और नॉट, कि 11 डिजिट का नंबर होगा और सबका यूनिक आइडेंटिफाइल नंबर होगा और इंडिया में टेली डेंसिटी 87.4% है या नहीं, तो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हुआई एक कंपनी है, चाइनीज़ मोबाइल कंपनी है, जो कि 5G टेक्नोलॉजी के एकदम फोरफ्रंट पे है। तो दुनिया में कहीं भी अगर 5G टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो रही है तो आप देखेंगे कि वो हुआई के ज़रिए ही इंप्लीमेंट हो रही है। लेकिन कुछ दिनों पहले US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने यह बात कही कि हुआई एक चाइनीज़ कंपनी है और उसके ज़रिए और 5G नेटवर्क्स, आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट और बैंक्स और हर तरह की चीज़ें अगर एक नेटवर्क 5G नेटवर्क पर पोर्ट हो जाएंगे, अगर सबके सब 5G नेटवर्क यूज़ करेंगे, तो एक तरह से हुआई को सारी कम इम्पॉर्टेंट नेटवर्क्स का एक्सेस मिल जाएगा, सरकारी, गैर सरकारी, बिजनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड, और उनके ज़रिए चाइनीज़ गवर्नमेंट एस्पियोनाज करने की, इसको इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज कहते हैं, ये टर्म आप गूगल करके देख सकते हैं इसका क्या मतलब है। तो इसके ज़रिए चाइनीज़ गवर्नमेंट एक तरह से जासूसी करने की कोशिश कर रही है। तो US गवर्नमेंट ने हुआई को एक तरह से बैन भी कर दिया हर तरह के 5G प्रोजेक्ट्स, और इस तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कहा कि हुआई का नेटवर्क और इनसे रिलेटेड इक्विपमेंट्स आप यूज़ नहीं कर सकते। हुआई कंपनी ने इन सारे एलिगेशंस से ऑब्वियसली इनकार किया है और उनका कहना है कि उन्हें बिना मतलब टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब UK के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है और वो कह रहे हैं कि हुआई को हटा के हम 10 देशों का एक 5G क्लब बनाएंगे, उसका नाम D10 उन्होंने रखा है, यानी D फॉर डेमोक्रेसी, 10 डेमोक्रेटिक देशों का एक संगठन वो बनाएंगे जो कि 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा और दुनिया भर में उसको इम्प्लीमेंट करेगा। इसमें से 10 देश उनके हिसाब से कौन होंगे, पहला है जो 7 उसमें से हैं, वो है G7, जो कि 7 लार्जेस्ट IMF एडवांस्ड इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड हैं, जिनके कि नाम मैंने यहाँ पे स्लाइड में मेंशन किए हुए हैं। और बाकी 3 जो कंट्रीज़ हैं G7 के अलावा, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, एक साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया आपको पता है इज़ अ जायंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इनको इंक्लूड किया ही जाएगा किसी भी टेक्नोलॉजी से संबंधित बात में। और 10वीं कंट्री इंडिया है, तो इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन और बिकॉज ऑफ इट्स डेमोक्रेसी, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोजनेस टू द गवर्नमेंट्स ऑफ UK एंड US, किसी भी कारण से हो, इंडिया को भी बोरिस जॉनसन अपने इस D10 क्लब में, एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल करना चाहते हैं। तो ये थी ये न्यूज़। तो गाइज, ये थी आज की सारी न्यूज़ और उनसे रिलेटेड MCQs और उनसे रिलेटेड स्टैटिक्स के पॉइंट। तो आई होप आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे और सबको आप फटाफट ब्रशअप कर लेंगे। ये सारे पॉइंट्स गाइज, अगर आप फटाफट ब्रशअप करते चलें न्यूज़ के साथ साथ, तो आप देखिए करंट अफेयर्स को, आज की द हिंदू को पढ़ते पढ़ते ही आपका कितना स्टैटिक का पोर्शन रिवाइज हो जाएगा। और अगर जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि आपके फिंगर टिप्स पे रहने चाहिए, वो सब अगर आपके फिंगर टिप्स पे हुए, तो आप सोचिए आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाएगा। अलग से करंट और अलग से स्टैटिक पढ़ के ये टाइम वेस्ट करने वाला फंडा नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाता है, सबके दिमाग में यही बात चलती है कि
मैं करंट की प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम अभी दे रहा हूँ, मेरा स्टैटिक का पोर्शन छूट रहा है, जो स्टैटिक पढ़ता है उसको लगता है कि करंट का पोर्शन छूट रहा है, तो बुद्धिमानी इसी में है कि करंट को पढ़ते पढ़ते स्टैटिक रिवाइज करते चले। तो आप लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह और इकोनॉमी की और आपकी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बुक्स अपने साथ रखिए, और जैसे जैसे मैं पॉइंट्स बोलते जाऊँ उन पेजेस को मार्क करते चलिए, जैसे ही हमारी एनालिसिस ख़त्म हो आप तुरंत उन पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिए और एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। इससे मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये अप्रोच पसंद आ रहा होगा। और क्या आप सुनना चाहते हैं और किस तरह की हेल्प आप चाहेंगे आपके प्रिपरेशन में मेरे एंड से, वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो देखिए, आप देख ही रहे हैं कि ये मेरा नया चैनल है, मेरा नया इनिशिएटिव है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या पसंद नहीं आ रहा है। उसके हिसाब से आने वाली वीडियोज़ में आपको और वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं कल।